जैसे मेरी गाड़ी का भी पास नहीं दफ्तर का, वो बड़े एक्साइटेड थे कि हम आपकी गाड़ी को अंदर करवा देंगे. तो हमने कहा नहीं, आप तो पार्किंग की बड़ी समस्या होती है. कह रहे नहीं सर, बाकी लोगों के लिए होती है, आपके लिए नहीं होगी. देखिए हर जगह आपका भौकाल है, सुंदर होने का ये फायदा होता है। अरे नहीं, ये तो प्यार, देखो हमको लोग थोड़ा बहुत प्यार तो करते हैं, हम मानते हैं. सोशल मीडिया से हम गाड़ी के शोरूम में गए थे, जिस लड़की ने मेरी गाड़ी की बुकिंग फाइनल की थी उसका, वो शायद देख भी रही हूँ इस वीडियो को, उन्होंने अपने पूरे स्टाफ से लड़ाई लड़के कहा था कि जितनी फॉर्मेलिटीज है वो मैं करूंगी, क्योंकि उसमें संवाद का जरिया होता है. तो उन्होंने मुझे कॉल किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, और उनके पूरे स्टाफ ने मुझे बड़ा प्यार दिया. बट अच्छा था, मुझे खुश, देखो मेरे लिए खुशी इस बात की थी कि बहुत संघर्ष किया मैंने मीडिया में, क्योंकि आप सोशल मीडिया के जरिए पैसा कमा सकते हो, लेकिन टीवी में क्या होता है ना, आप नौकरी करते हो. जैसे तुम लोग भी अगर नौकरी करोगे तो, या तुम्हारे पापा मम्मी करते होंगे, तो आप नौकरी में बड़ा पापड़ बेलना पड़ता है, नौकरी में आपको उतना पैसा नहीं मिलता. तो जिस जगह से मैं आया, मतलब मेरे लिए ये बहुत अच्छी बात थी कि मैंने जीवन में कभी गाड़ी नहीं चलाई थी. मतलब बाइक भी ड्राइव नहीं की थी मैंने, स्कूटी भी नहीं चलाई थी, मैं हमेशा पीछे बैठा हूं. मेरी लड़कियां अच्छी दोस्त थी तो मुझे पीछे बैठा लिया करती थी. फिर मेरे घर में बाइक चलाते थे तो मेरे को कभी जरूरत नहीं पड़ी. तो मैं बचपन में जब मुझे आता नहीं था ड्राइव करना, तो मैं डायलॉग चिपकाता था, कोई बात नहीं सीधे फोर व्हीलर खरीदेंगे, बस था नहीं ये कहते टशन वाला. तो 15 दिन पहले प्लान किया था. देखो जुगाड़ होने का फायदा भी होता है, एक हफ्ते में गाड़ी आ गई. नॉर्मली एक महीना लेते हैं गाड़ी वाले, शोरूम वाले, वो एक हफ्ते में सर आपकी डिलीवरी. हमने कहा तुम भी साला गजब हो यार, बट अच्छा था. आज आज खूब 100 किलोमीटर चलाया, मजा आया. 100 किलोमीटर चलाए आज पूरा मैं गया ड्राइव करने, मतलब आज जिसे कहते हैं ना लॉन्ग ड्राइव, एकदम चला के गाना वाना बजा. वाले शौक आ रहे हैं आपके यार. गाड़ी का सिंपल क्या है ना, गाड़ी मैं जो गाड़ी सीखी थी, गाड़ी सीखना बहुत आसान काम है, कोई भी सीख सकता है. और क्योंकि मैंने जीवन में ड्राइव नहीं किया, तो जब गाड़ी मैंने I-10 पे सीखी थी, जो मेरा ड्राइव वाला आदमी था. लेकिन जब मैंने गाड़ी बड़ी ली, तो बड़ी गाड़ी का थोड़ा अलग हिसाब किताब, तो डर लग रहा था मुझे यार, मैं पता नहीं ठोक ठाक ना दूं. अच्छा, अपने लिए डर नहीं लग रहा था, आस पड़ोस वालों के लिए, हाँ कि यार. तो बट फिर जब मैंने ड्राइव किया अच्छे, तो बड़ा मजा आया. मतलब बहुत ईजी है और बढ़िया गाड़ी है, मतलब मजा आएगा. तुमको बैठा, तुमको ऊपर सनरूफ खोले घुमाएंगे लखनऊ, चले चलेंगे मरीन ड्राइव. है, अरे बहुत आनंद आएगा फिर तो. आनंद आएगा, वही वही रील बनाएंगे, उसे उसे आगे एक स्कूटी वाले से ही रील बनाते रहना भाई. फिर पीछे से गाना लगा देंगे भौकाली वाला. हाँ, जो उस टाइम ट्रेंड कर रहा होगा. फिर वो 15-20 अरे भाई छू जाएगा आराम से भाई, ये सब बकैती करने पे ना जल्दी व्यूज चले जाते हैं. सही बात है. मैं पता है, ये हम पिछले 3-4 महीने से अपने घर वालों के पीछे पड़े थे कि हमें गाड़ी दिला दो, गाड़ी दिला दो. पहले हम थे थार पे कि थार चाहिए हमें, फिर औकात पे उतर आए, तो अब देख रहे हैं कोई होंडा होंडा की ले लेंगे सस्ती वाली. देखो मेरा अभी भी शहर के हिसाब से छोटी गाड़ी होनी चाहिए. मैं भी छोटी नहीं, बात है ना कि देखिए हमें चलानी तो ज्यादा है नहीं, अभी हम 18 के वैसे भी नहीं हुए हैं, तो मुझे चाहिए भौकाल के लिए. और भाई वो भौकाल मुझे I-10 में थोड़ी मिल जाएगा यार. देखो मैं तुमको फिर मतलब एक चीज देखो, मेरा मतलब हो सकता है ये लोग कहें कि क्या ये फर्जी बना है, ये सर गाना ज्ञान दे रहे हैं. मेरा एक चीज मानना था कि पैसे का यार मिथिका अंत नहीं है. अंत नहीं है. जैसे मेरे जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो लड़के BMW ऑडी से आते थे, तो मैं एक बात बड़ी कम उम्र में जान गया था कि बाबू पैसे बराबरी नहीं कर पाओगे लोगों से. सही बात, एकदम सही बात. तो अगर 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 तुमको नाम कमाना है तो काम से कमा लो, क्योंकि जब काम तुम्हारा होगा तो ऑडी वाला उतर के भी तुमसे कहेगा सर आइए ना बैठिए ना 5 मिनट हमारे साथ. तो हम जब कॉलेज ऑटो से जाया करते थे या कॉलेज की बस से, तो कई बार जब हम उतरे तो ऑडी वाला आए कि क्या नाम है आइए सर बैठ जाए ना. हम कह नहीं हमारा ऑटो अच्छा, एक दिन तुम बैठा लो, अगले दिन से क्या होगा, अपनी कमाई. तो वो ट्रेंड कभी खत्म. तो पर्सनालिटी तुम्हारी बढ़िया है, और जिसको तुमको पसंद करना होगा वो तुम सर पे रबड़ बैंड 2 रुपए वाला बांधियो तो भी पसंद करेगा, और 1 लाख का क्लचर लाके लगा लोगी तो भी वही रहेगा, उसके लिए फर्क नहीं पड़ेगा. तो हमको लगता है कि फिर बहुत भौकाल में बहुत ज्यादा पैसा बर्बाद करना सही नहीं है. अरे भाई मुझे तो यार यही बताऊं, ऐसे खर्च करने को मिलता नहीं है, सोचे मार गिराएं.
तुम दहेज ले, क्या तुम दहेज ले लेना। भाई मैंने सोचा था एक दिन, बताया कि मुझे तो मुझे दहेज देना नहीं पड़ेगा, मुझे लगेगा मुझे चाहिए दहेज। यही तो मैं कह रहा हूँ, तुम दहेज ले लेना। तुम कहना सुनो हमको थार या फॉर्च्यूनर या और कोई आगे गाड़ी BMW चाहिए, BMW। हाँ चलो BMW ले लेना तुम अपनी है ना। हमको हमारे हमारे मुंह के हिसाब से क्यों बता रहे हैं आप, कह रहे हैं हमको एक BMW चाहिए भाई देखिए समाज में मेरी भी थोड़ी इज्जत अभी बची हुई है, ठीक है ना, उसको ऐसे कर रहे हैं आप कि अब हमारे फॉलोअर आपको फॉलो करने लगेंगे। नहीं, बढ़िया। तुमको हम कहते हैं कितना बढ़िया आइडिया है। देखो यार तुम BMW लोगी एक बार में, मामला खत्म, टाइट, साला कोई टेंशन ही नहीं है, सारा पैसा तुम्हारा बचा रह गया। भाई थोड़ी इज्जत रख लीजिए भाई। भाई क्या हाल देखिए चाल बाकी मम्मी सबके? बाकी सब बढ़िया है, मम्मी के भी हाल चाल अच्छे हैं, नानी आई हुई तो मम्मी का दिल याद लगा हुआ है, और नानी से हम भोजपुरी सीख रहे हैं थोड़ी थोड़ी, तो काफी मौज आ रही है। और बाकी हमारा कॉलेज में एडमिशन होने जा रहा है, हमारे इंटरव्यू। एक फैन हमको पंखा दिए हैं। भाई साहब क्या जीवन है आपका, आपका तो गिफ्टों से ही काम चल जाए। हमको गिफ्ट आते थे, हम बहुत प्यारे प्यारे, कुछ चश्मा भी दिया हमको, कितना चश्मा हमारा वाला पहनेगा, हमने कहा ये बढ़िया है। या मुझे ही नहीं देता है क्या कोई? अब हमको भला ऑफिस के हमारे एड्रेस पे पता नहीं कैसे लोग प्यार देते हैं मुझे, वो अच्छा है, भाई हम बढ़िया है, सोच रहे छोटी हैं हम छोटी। भी थोड़ा यही एंकरिंग करना चालू कर दें, बड़े हो जाएंगे तो कम से कम गिफ्ट तो आए। YouTube बढ़िया अपना YouTube चलाना, पैसा छापना भी। नहीं चला पाएंगे भाई, YouTube देख रहे हैं मैं ठंडा पड़ा हुआ है एकदम भाई। तुम एक्टिव नहीं रहोगे ना सही से? क्यों? YouTube एक्टिव होना बहुत मशक्कत का काम है, हो नहीं पाएंगे हम। कंटेंट के नाम पे क्या करेंगे, ब्लॉग करेंगे, ब्लॉग कंटेंट होता नहीं है जो। भाई हम ऐसे भी बहुत वैसे नहीं है, हमारे जीवन में कुछ बहुत उत्साह भरा नहीं होता है ये देखिए सुबह, ये देखिए सुबह हम उठ गए, अब हम ब्रश कर रहे हैं, अब हम जा रहे हैं, दरवाजा खोल दिया, बाहर से धूप आ रही है, धूप कितनी अच्छी, आज आज खिलखिलाती हुई धूप आई है। अरे भाई साहब ये हमसे हो ना पाएगा, हमको भाई एक दिन मना लिया हमने, 2 दिन ब्लॉग, ऐसा लगा डिप्रेशन हो जाएगा एकदम से। ये रहा हमारा कुत्ता, कुत्ते ने खाया खाना, बहुत आज के परेशान पेट था। नहीं खा रहा है, इसको डॉक्टर के यहाँ ले जाएंगे, चेक कराएंगे। और इससे आप कुत्ता नहीं कहेंगे, क्योंकि इससे आप कुत्ता कहेंगे तो आप ही, खैर नहीं है, मेरा बेबी है। भाई तो काफी थका देने वाला चीज है व्लॉग बनाना, इसलिए हमने व्लॉग बनाने का आइडिया छोड़ दिया। बाकी और तो कुछ और भी कुछ ऐसा है नहीं आइडिया कि क्या कर सकते हैं। मैं ब्लॉगिंग करूंगा, अभी नहीं थोड़े टाइम बाद, मैंने सोचा है जब मैं ट्रेवल करना आप शुरू ना हर फील्ड में मुंह मार लीजिए। अरे कुछ भाई कुछ कुछ लोगों के लिए छोड़ दीजिए, कुछ छोड़ यार। दीजिए। ये देखिए किस किसने लिखा है, वॉशरूम लाइव आल्सो, कि देखिए आप, मैं वॉशरूम में आई हूँ, वॉशरूम में मिरर देखने का अपना एक अलग मजा होता है, यहाँ पर ज्यादातर लोग बाल वॉशरूम वॉशरूम के बहाने आते हैं, लेकिन यहाँ पर लोग बाल संवारते हैं। देखिए मेरे पड़ोस वाला बाल संवार रहा है अपने, उनको वॉशरूम से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ उनको ये देखना है क्या मैं वाकई खूबसूरत लग रही हूँ, उतनी ही आज जितनी हम। मुझे मुझे कब्ज हो रखा है गाइस, तो मुझे बाथरूम में आज थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया। बट खूनी लोग बावसी का देखते हैं, प्रकोप है बहुत मेरे देखते ऊपर हैं, आजकल। लोग ब्लॉग्स देखते हैं, मैंने देखा है कि आप बहुत ज्यादा देखते हैं, क्यों देखते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने ये देखा दिलचस्पी बहुत ज्यादा होती है, और ब्लॉग्स वालों के लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों व्यू आते हैं। भाई अब बहुत पैसा कमाते हैं वो लोग, पर फिर हमें ये लगता है ना कि अगर आपका मेंटल पीस नहीं है, आप खुश नहीं है वो काम करके, तो पैसा कितना भी आ जाए क्या। अगर हमको लग हमको अगर हम कोई व्लॉग यूट्यूब पर डाल ले और कुछ लोग ब्लॉग्स के चक्कर में हवालात भी चले जाते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू भाई वो भी एपिक था भाई, बैड हालांकि उन्होंने उसको, मैनर्स है भाई, आप ऐसे मत बोला करिए। उन्होंने उसको बहुत ग्रेसफुली लिया, मुझे उनका ये अच्छा लगा कि उन्होंने उसको लास्ट में बहुत ही उसको पॉजिटिवली लिया, और अपनी वाइफ का मजाक उड़ाते हुए उन्होंने कई सारे वीडियोस डाले, सो वो अप्रिशिएट करने वाला था कि आप, वो सीखने वाली भी चीज थी कि आप नेगेटिव हाँ चीज को भी कैसे पॉजिटिव तरीके से करके, सही बट बात वो है। एपिक था। आई हाँ भगवान, तुम आप देखो सही है जिससे दहेज लेना उसके साथ ये मत करवाना। भाई, यार देखिए कोई दहेज देगा हमको तो लगता है कोई देगा भी नहीं दहेज हमें, जैसी हमारी हरकतें अरे तुम क्या कह रहे, तुमको लड़का मिल जाए यही बहुत है।
तो भाई वो भी मुश्किल ही लग रहा है। तो ठीक है, तुम आजकल तो लिबरल हो गया है समाज, तुम दाएं बाएं काम चला लेना। सो बैड बड़े भैया, सो बैड। ऐसे तो फिर आपको भी दाएं बाएं काम चलाना चाहिए। यार हमको क्या बैड, एक बहन हमारी एक और हो जाएगी। भाई अगर आप लखनऊ में होते हैं ना, मैं अभी आपके घर आ गया होता गुस्से में। देखो भाई मेरे घर में दो भाई हैं, दो बहन भी हो हाँ जाएगी, बढ़िया है, सब संतुष्ट रहेंगे। एक भाई गलत हरकत है, ये बुरी बात भाई, बैड मैनर्स। और दूसरी चीज की यार आप बताइए क्या हाल चाल है, शादी क्यों नहीं हो रही आपकी? शादी यार अभी कोई पता नहीं है, मुझे लगता है कि ईश्वर अभी चाहते नहीं है कि अभी हो, तो जब होना होगा तब कुछ, जब पक्के थोड़ा कॉन्क्रीट होगा तब जानकारी दूंगा मैं और बताएंगे। लेकिन तुमको हम कह रहे हैं, ये हमारा पक्का तुमको है कि इस साल दीपावली या दशहरे के आसपास एक बार, हुस्ता दीपावली के आसपास तुमको हम सनरूफ खोल के मरीन ड्राइव घुमाएंगे। अरे भाई दम ही आनंद आ जाएगा फिर तो, मतलब एकदम ड्रीम कम ट्रू हो जाएगा, अपनी गाड़ी बना इनकम पाइए तो ना। एकदम, अब ये अलग बात है वो बीएम बबलू नहीं होगी, लेकिन घुमाएंगे जरूर तुमको। मैं ना भाई मर जाऊंगा, ऐसे बेइज्जती कर रहे हो भाई, मेरा भी थोड़ा बवकाल है, मेरी थार स्कॉर्पियो जैसी पर्सनालिटी है इंटरनेट पे, आप एकदम बीएम बबलू बनाए पड़े हैं हमें। नहीं, बढ़िया है, आनंद। और कुछ नया जिंदगी में? भाई कुछ ऐसा नया तो नहीं है, एडमिशन हो रहा है मेरा एक ऑल गर्ल्स कॉलेज में, कहाँ जिसमें पर? मम्मी भी जाएंगी। कॉलेज का नाम बता दें, ऑल गर्ल्स कॉलेज, मतलब कॉलेज में भी लड़के ऑल नहीं? गर्ल्स? नहीं यार मम्मी ने अलाउ नहीं किया तो लग रहा है हमारे नसीब में एक बहन और लिखी है। भाई, कभी कभी मुझे भी लगने लगता है अंदर ही अंदर, पर मुझे लगता है नहीं, इतना भी निराश नहीं करना है घर वालों को। तुमने जाकिर का वो वीडियो देखा है जिसमें वो पूछते हैं कि क्या नाम है, यहाँ पर कौन कौन बॉयज स्कूल में पढ़ा हुआ है, तो कुछ लोग हाथ उठा देते, तो कहता है कि इनसे पूछो, इन्हें पता, हम जैसे लोगों को पता है कि लड़कियों में खुशबू होती है। भाई अभी जो इनडायरेक्टली मजाक लेना है ना, ये इतनी गलत बात है, इतनी गलत बात है। पर भाई ऑल गर्ल्स कॉलेज जाएंगे, उसमें भी मम्मी एमए करेंगी, हम बीए करेंगे। अरे वाह, ये अच्छी न्यूज़ कि मम्मी भी मम्मी साथ। पांचवी बार बीए, मम्मी पांचवी बार एमए करेंगी। क्या बात है, क्या बात है, ये अच्छी नेक्स्ट चीज है, बोल्ड मूव भी है, और मुझे लगता है कि शायद इससे बहुत लोग इंस्पायर भी होंगे। हाँ आप किसी भी उम्र में अच्छा कर सकते हैं। नहीं, उन्होंने अपनी उम्र में बहुत अच्छा अच्छा कर लिया था वैसे तो, पर खैर कुछ नहीं बोलेंगे। आईटी कॉलेज में क्या? यार कैसे कमेंट पढ़ रहे हैं क्या आप, है ना? है ना, आईटी मैं नहीं, मुझे बहुत तेज हूँ, मैं आपकी नजरों से पकड़ लेता हूँ। पता भी था आईटी, मुझे लखनऊ में वही कॉलेज था जो गर्ल्स आई है। टी है? नहीं आई टी है, मॉडर्न गर्ल्स है, और बस तुमने नहीं कन्फेस अवध करी, भी है। तुमने कन्फेस कर ही लिया, लेकिन अब बाकी कॉलेज का नाम लेके क्या फायदा। हाँ तो आई टी है, ठीक है, अब एंट्रेंस दे ही आए हैं, अब ठीक है, पता तो चल ही जाता है भाई वैसे भी। हाँ तुम्हारे किसी चाहने वाले ने डाल दिया था, लिख दिया था। भाई यार आपको पता है कोई आंटी है, वो अलग अलग फेक आईडी बना के आपका नंबर मांग रही है हमसे बढ़िया, पूरा। इस लाइव के बाद भी तुमको बहुत लोग स्टोरी में टैग करेंगे और तुमसे मैसेज करेंगे कि मैडम वो जरा नंबर दे दीजिए सर का। हाँ यार वो, और बड़े प्यार से, मेरा तो एक बार मन किया कि दे दे, इतने प्यार से उन्होंने लिखा, मिथिका बेटा प्लीज सेंड शुभांकर भैया नंबर। मैंने कहा लीजिए दीदी तुरंत। अच्छी चीज है, लेकिन किसने लिखा कौन? ओके ठीक है, मतलब अच्छी चीज है, कई बार अच्छा लगता है, लेकिन कई बार क्या होता है ना, बहुत बोझ आता है आपके ऊपर, क्योंकि अब मेरे को रात को अपना फोन स्विच ऑफ करके सोना पड़ता है। काय इतने मैसेज आते हैं? नहीं कई बार क्या होता है ना, जो नए फैंस होते हैं, जो स्पेशली जो एब्रॉड वाले होते हैं, क्योंकि मेरा नंबर बहुत पुराना है, और मेरा नंबर क्या है कि कॉलेज के सारे दोस्तों के पास रहा, जितने न्यूज चैनल में हम गए वहां पे, क्योंकि न्यूज चैनल में ग्रुप होते हैं, अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप बने होते हैं, तो सब लोग ऐड होते हैं, सबको मिल जाता है, तो किसी फैन को मिला, तो कई बार ऐसा हुआ कि रात को 3 बजे आपको कॉल आया, तो आप उठा लिए, तो आपसे हेलो शुभांकर सर, आपके तो हाँ जी कौन, बिग फैन सर, तो आप